करना नहीं क्यों मैं कर लूंगा आप कैसे होंगे फोटो करना है शुरू करिए जी दर्शन माइक पे सरकारी दोस्तों मैं तुम्हें मिलने वास्ते सब तकलीफ दी है तुसी आए हो तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद कुछ दिन पहला मेरे ते कुछ मेरे पार्टी के दोस्तों ने मेरी छवि खराब करने वास्ते कई मेरे को इल्जाम लाए सी जिन्हों के बाबत मैं तुम दसने वास्ते तेरे दरबार में हाजिर हुआ है मैं पिछले 23 साल का आम आदमी पार्टी के मैंने कमान बनाया है मैं पार्टी की दिन रात सेवा करके आज पार्टी में इस मुकाम पर लैके आया हूं जिस पार्टी ने लोग बहुत हल्के भी चलते सी आज उस पार्टी में बहुत सारे लोग सीरियस ला रहे हैं इस अवस्था में लिया वास्ते जितने मैं अपना खून पसीना बहाया वॉलंटियर ने जोर लगाया सारे लोगों ने दिन रात मेहनत की है मैं 23 साल अपना बिस्तर गड्डी च रखा मैं एक एक दिन में 400-500-700 किलोमीटर सफर किया मैं 24 घंटे के बच्चों 18-19 घंटे पार्टी वास्ते कम किया मेरे बाबत कहा गया है कि कोई लख दो लख का स्ट्रिंग है मैं पिछले 24 साल तो लोक सेवा में हूं मैं कॉलेज में 4 साल गवर्नमेंट कॉलेज गुरदासपुर का इलेक्टेड प्रधान बनता रहा कॉलेज पढ़ता मैं पिंड का सरपंच बनया 23 साल की उम्र की मैं 2 साल का चेयरमैन सा ब्लॉक समिति धारीवाल का लाइन मार्ग दिन गुरदासपुर का बाद मैं श्रोमणी कमेटी का मैंबर बना मुकाबला बनया संत लौंगोवाल वेले मैं जो प्रधान स पार्टी का जनरल सैकटरी स मैं 1985 इलेक्शन लड़ी सी मैं अकाली दल के MLA बनया स और जो बनवास साहब ने दरबार साहब की पुलिस लड़ी सी मैं इस्तीफा दे दिता सी यह मेरी पोलिटिकल सफर है मैं 40 साल परमात्मा को डर के संगत को डर के ईमानदारी के नाल लोगों की सेवा की है मैं पब्लिक मैन हूं मैं कोई कुनार आदम नहीं हूं साधारण जहा बंदा मैं सारी जिंदगी चाहे मेरे इलेक्शन को साल बाद आ जाती है मेरिया इलेक्शन लोग लड़ते हैं मैं जिंदगी एक पैसा भी कभी घरों फोर नहीं किया मैं लोगों ने कहा सी कि मैं ईमानदार रखना तो तुसा रखना और लोगों ने 40 साल मैं MLA दी इलेक्शन भी लड़िया मैं पार्लीमेंट दी इलेक्शन भी लड़िया मैं श्रोमणी कमेटी दी इलेक्शन लड़िया कुल मिला के सारिया इलेक्शन के लोगों का करोड़ रुपया खर्च होया होगा मैं कन्फेस करता दरबार में आजाद लड़द्या भी
मेरा कभी लोगों ने एक पैसा घरों नहीं बचाया। थाने दारी ने मैं लोगों की सेवा की है, मैंने लोगों ने पैसा दिता, मैं परिवार वास्ते नहीं वरत्या, पब्लिक वास्ते वरत्या। अज जिस पार्टी में मैं काम कर रहा हूं, मैं दुख नहीं कहना पैदा है कि इस पार्टी ने मैं कोई फंड नहीं दिता, मेरा कोई ट्रेजरर नहीं है। ढाई साल पार्टी ने मैं दवाई नहीं दिखी, मैं इन्होंने ढाई साल इलेक्शन दिल्ली चाहिए, मैं 20 लाख तो उपर अपने सज्जनों मित्रों को दोस्तों को वॉलंटियर्स को कलेक्ट करके 10-10 हजार 5-5 हजार 20 लाख तो उपर पैसा देके पार्टी में आया, तो मैं अपने को नहीं दिता, लोगों ने दिता। उपरंत जी 2.5 साल गड्डी चली है, मेरे नाल 3-3-4-4 गड्डिया चलदिया सी, मेरे नाल सज्जन मित्र चलते सी, उन्होंने रहन का राशन पानी का प्रसादे पानी का तेल गड्डिया सारे ने अपने को भनिया ने दिन रात काम किया, लखां रुपए का तेल फुटिया हो गया, सानू किसी ने दवाई नहीं दी। इतों तक कि दो अपनी पार्टी के नौजवान SC BC बहुत पिंड है, उन्होंने मच्छ वर्गे लागे उस करके मार दिते गए सी, तो आम आदमी पार्टी के विरोधी सी, उन्होंने भोग से कोई अनाउंसमेंटा कीतिया सी, पार्टी ने वास्ते दवाई नहीं दी। मैं उन्होंने गरीबों के केवल उन्होंने एक बच्ची हैगी सी, मैं 5 लाख रुपया वॉलंटियर्स को सज्जना मित्रों को लैके उन्होंने घर दे के आया। एक बच्चा अमृतसर के लागे का हैंडीकैप्ट सी, प्रचार करता सी पार्टी का, सरकार वाले ने उन्हें फराया, उन्हें मुंह से तेजाब छोड़ दिता, वो 3-4 महीने की ट्रीटमेंट के बाद जब हस्पताल से वापस गया, उन्हें फिर प्रचार करना शुरू कर दिता। तो लोगों ने पाठ किया कि तेरी असं शगन भी बिगाड़ दी है, तो हाजी प्रचार करना नहीं होगा। उस बंदे ने सुसाइड कर लिया। जब मैं वो घर गया मलेरकोटले के लागे, देख के मैं बड़ा दुख होया, घर भी नहीं हैंडीकैप सी, बहुत गरीब सी। मैं उतने अनाउंस करके आया कि मैं 1 लाख रुपया इन्होंने देंगा, मैं लोगों को लेकर 1 लाख रुपया दिता, होर भी मैंने जितने भी कोई दसता है, क्योंकि मैं 40 साल लोगों की दिखता रहा, यह सारिया पार्टिया वाले करते हैं, तो लोग उन्होंने मदद भी करते हैं, लोगों ने मैं पैसा दिता है, मैं लोगों की खातर करता है। सो वह जरा स्टिंग की गल करते हैं, मैं उन्होंने पूछना चाहता है कि यह जनतक किया जाए, जे मैं लोगों ने ठगी मारी है, किसी ने कोई लालच दिता, तो मेरी CBI को इंक्वायरी कराई जाए। जे मैं पब्लिक लाइफ के एक पैसा भी मेरे वाल मिलेगा तो मेरा तंग दिता जाए। मैं धनदारी के नाल 40 साल ईमानदारी ने लोगों ने सेवा की है, मैं समझता सी कि मेरी पार्टी मैं अवार्ड देगी, बदकिस्मती है पार्टी वाले कहते सी असि सियासत बदल आए हैं, सियासत तो उन्होंने बदल दी, अगर पार्टी के इल्जाम लगता सी तो पार्टी वाले डिफेंड करते, हम पार्टी मैंने फसा रही है, तो जो मेरे विरोधी से वो मैं डिफेंड कर रहे हैं, तो सियासत बदल गई है पंजाब के। सो मैं तेरे दरबार में हाजिर हुआ तो कोई यह चीज जो साबित कर दे, लख 2 लख ने कहते छोटे पर टिका नहीं होता, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बहुत गिरा है, थोड़ी मेरी स्पीड ने उन्हें खबरें दिखाई हैं, छोटे पर ने टिकटों वास्ते पैसे ले ले, बाहर का रस्ता दिखा देंगे, पुराने कर देंगे, विरोध किसी की इमेज बननी बहुत औखी है, जितना घर बनाना हो बहुत औखा बनता है, 2 इंटा कर लिए घर जग पैदा है। मैं 40 साल पक्के रह गए, ईमानदारी ने लोगों की सेवा की है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चरणों से मेरी बेनती है, तुम भी नेशन बिल्डर हो, तुम लोगों की राय बनाते हो, चंगी या माड़ी राय तुम्हारे राय बनती है, जो तुम्हारे देश में सोसायटी में कोई प्यार है तो अगले की वर्षन ले जाया करो, एवं इन्हों चढ़ा दिया करो, ढक्कन दो अगले में डैमेज कर दो। सो उन्होंने बहुत गल्लां कीतियां ने, मैं बेनती करना चाहता तो सारिया गल्लां दे पिछे एक बड़ी वड्डी साजिश मेरे अपने मित्रों ने रची है,
जिन्हें ने अज मैं इतने आने वास्ते मजबूर किया है। लंबी कहानी है, मैं अक्तूबर 2015 के एक मीटिंग की सी जिदे मेरी पार्टी के जॉइन इंचार्ज सी दिल्ली का ऑब्जर्वर सी सैक्टर इंचार्ज सी सारी पार्टी के विंगल के प्रधान सी सारे सगे एमपी सदन सी संजय सिंह जी परमेश सिंह सारे सी और उतो मैं एक गल कही सी तो वीरो पंजाब के लोग जड़े हैं अपना गोल अचीव करने वास्ते जिथे इन्हों का पावन बन जाए ये अपना मकसद हल करने वास्ते तुहानू शॉपिंग भी कराउंगे पैसे भी देंगे तुहाडियां लोड़ां भी पूरियां करेंगे पर पंजाब के लोगों का सुभाव है जे तुसी लोगों के ख्वाहिशों के पूरे ना उतर सके जो तुसी जिस काम की उन्होंने तुहाडी सेवा की है तो तुसा फुलफिल ना की उन्होंने कुछ नहीं करके हम बदला भी करने शुरू कर देंगे। और उसे एक बंद ने यह भी कहा अमृतसर के किसी वॉलंटियर ने कहा कि ऑब्जर्वर कहते हैं 75% ठीक है तो निकली है जब यह गल दरवेश होने की तो इन्ने हद फुलके हुए तो कहीं ना बार में कई पार्टी हम जा रहे हैं उठ के चले गए महीना कोई साधा आपस में तालमेल नहीं है। उदों तो बाद अखबारों कई तरह दिन खबर लेनी शुरू कर दी जिन्हों का मैं जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि वो गल मेरे संबंधित है। एक मीटिंग दिल्ली में हुई सी दिल्ली वाली मीटिंग के किसी ने कहा कि पंजाब के एकता की लोड़ है जो लीडरशिप की एकता हुई तो आप सारी लड़ाई जीत सकते हैं तो मेरे को सुते सत मिले गया तो जो पावर प्लेटफॉर्म है जो पावर सेंटर है वो दरवेश है इन्हें जिता मंडे यही सारे बंदे ज्वाइन करा गया यही सारे उद्दे मंडे हैं जे ये चाहेगा तो एकता हो सकती है जे ये चाहेगा तो ना कहेगा तो नहीं एकता हो सकती। यह गल मैं मीटिंग च कह दी यह गल भी कुछ बंद रड़कती सी ए बाद काम शुरू हो गया जिदन यूथ विंग का मैनीफेस्टो रिलीज होना सी अमृतसर के मैनीफेस्टो रिलीज होने वे सीनियर लीडर हरासमेंट हुई स्टेज पर काफी और उसके बाद जो मैनीफेस्टो रिलीज करते समय उसे होया वो तो सारे प्रेस वाले होना चंगी तरह पता है आशीष चंद नवी मिले गए कि यह जरा दस्तावेज है गुरु गोबिंद साहब वर्गा है और दूसरा मैनीफेस्टो के टाइटल पेज पर दरबार साहब की फोटो आ गई झाड़ू लग गया केजरीवाल साहब की फोटो आ गई बवाल खड़ा हो गया। मैं उस बवाल ठल पाने वास्ते बहुत अपीलां कीतियां एक गैर सिख इंसान नूं पता नहीं सी दरबार साहब की पुत्रता का उन्हें कोई नॉइनली ये गल नहीं की उहदे कोलों मूंह निकल गई है उन्हें माफ कर देना चाहिए माफी बहुत वड्डा संकेत है सिखी ने वड्डे वड्डे फैसले ले लिया माफी तो बाद समाप्त होते रहे हैं मैं बहुत डिफेंड किया। दूसरा से दरबार साहब की तस्वीर वाला जो दरबार साहब के मसले पर असं अपना बड़ा स्पष्टीकरण दिता तो सब इन्हों ने मैंने पूछा कि छोटेपुर जी जरा टाइटल पेज बनाया गया वो तो तुम्हें दिखाया नहीं गया तुम पार्टी के कन्वीनर हो तो मैं भी वो सच बोलिया कभी जिंदगी मैं झूठ नहीं बोलता राजनीति मेरा पेशा नहीं है मैं सेवा वास्ते आया सी मैं सफमय बंदा है मेरे परिवार के कोई पॉलिटिशियन नहीं सी तो मैं सच बोलिया कि मैं वो नहीं देखा। और जिस दिन केजरीवाल साहब सी
ਸੀਐਮ ਕਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਐਮ ਪੋਸਟ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਛੋਟੇਪੁਰ ਜੀ ਜੇ ਆਪਨੇ ਕਿਆ ਕਰ ਦਿਆ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਆ ਕਰ ਦਿਆ ਜੀ ਆਪਨੇ ਜੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਸਰ ਮੈਨੇ ਜੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੁੱਛਿਆ ਥਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਆਪਕੋ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਏ ਥਾ ਮੈਨੇ ਦੇਖਾ ਹੈ मैंने कहा जी मैंने कभी झूठ नहीं बोला और इसका इंतजाम पता क्या होता अगर मैं झूठ बोलता तो क्या होता मैंने कहा जी तुसी तो नाम सिखो तुहानू तो कॉल कर रहे कुछ सदर मैं श्रोमणी कमेटी का 17 साल अनअपोज मैंबर है मैं पार्टी का कन्वीनर उन्हें मैंने पूछना सी छोटेपुर जी तुहानू मर्यादा का पता सी ना तुसी 17 साल श्रोमणी कमेटी का मैंबर है मैं कह रहा सी हां कन्वीनर भी तुसी हो ये पास कुसा कीता है मैंने कह रहा सी हां ये इंतजाम पता क्यों होना सी मैं कह इंद्रजीत सिंह जी ने अकाल तख्त के गठबंधन को पहले ही एप्लीकेशन दे दी हुई सी पिछोटे को सिखी जो खर्च करो तो प्रधान है तो मैंने कहा क्या इंतजाम होना था मैं कह मैंने अकाल तख्त के गठबंधन सद के सिखी जो खर्च कर देना सी मानियो केजरीवाल साहब पता की कहते हैं अगर आपको सिक्की से निकाल देते तो क्या होता मेरी कंपनी आ गई मैं कह जी यदि खातर को मैं वजीरी छदी सी मैं 1.5 साल जेल च रहा सी मैं ये कम नहीं कर सकता उस दिन तो यह कहानी शुरू होगी अगर टिप्पा की गल आ गई टिप्पा क्योंकि असि सवेर तो शाम तक ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਰੋਜ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਰਪਟ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਲਾਈਨ ਕਰੈਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਨਫਾਰਮਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਪਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਟਿੱਪਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਗਰੀਬੀ ਮੀਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਪਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਰਾਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿੱਤਾ ਵੰਡਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 10,000 ਕਿਸੇ ਨੇ 50,000 ਕਿਸੇ ਨੇ 1,00,000 ਕਿਸੇ ਨੇ 5,00,000 ਕਿਸੇ ਨੇ 10,00,000 ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇਗਨੋਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਸਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਲਾਏ ਮੈਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਕਰੋ ਫਾਲੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਕਰੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲੋ ਮੈਂ ਮਦਰ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਦੇਣੀ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਨਾ ਦਿਓ ਪਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਾ ਮਾਰੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜੋ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੋਟੇਪੁਰ ਜੀ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿਹਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਹਿ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਨਿਕਲਾਊਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦਸਾਂ ਨੌ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਕਮਾਈ ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
अपने वलंटियर की गल छी है तो वलंटियर सवाल यह तुसा देखना है इस चीज का फैसला पंजाब के लोगों ने करना है कि छोटे पर चोर है या ईमानदार है। मैं इन्होंने को सर्टिफिकेट की लड़ नहीं है। मैं बड़ा दुख होया यह सुन के उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम ने कोई क्लिप की होंगी क्लिप मैंने तो पता नहीं। मैं तो 20वीं सदी वाला बंदा है ये 21वीं सदी वाले बंदे कि गल करते हैं। जे तनवीर अपनी पार्टी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर को मिला जाता है जे वो भी रिकॉर्डिंग होंगी है तो मैं कहना ये बदकिस्मती वाली गल कोई नहीं है। जे घर के बच्चे एक भरा का दूजा भरा उसकी कंडा पे बेनती है जो तुम मैं कोई भी गल पुछना चाहते हो आराम ना पुछो। मैं खुली किताब है जो किसी भी मेरे मतलब किसी ने कोई शिकायत है तो मैं जरूर दसो। मैं जो कोई गलती होगी तो मैं माफी मांग सकता। मैं नहीं पता मैं नहीं मैं नहीं जी मैं पार्टी को छा जी जी पार्टी ने आप नहीं है आ मेरी पार्टी है मैं क्यों छा पार्टी मैं पंजाब पार्टी आप पैदा की देखो मैं पहला बेनती कर चुका मैं थानू सारे पता है तुम जान के कोई ना बोले तो वही गल है जब घर की अंदर स्टोरी लाई है तो दूजे को पता होना चाहिए। मैं पिछले डेढ़ साल तो 20 बारी कह चुका कि मैं मुख्यमंत्री का कैंडीडेट नहीं हाँ। मैं बहुत छोटा जहा बंदा है मुख्यमंत्री बड़े बड़े बंदे बन रहे हैं मेरे वर्गे बंदे थोड़े बनते हैं। मैं एक हारवाल वाला किसान है सिर्फ बोल बंदा मैं तो ठीक पढ़ता है जो मुझे फायदा दिखा कर मैं हाल नहीं होया तो मैं डेथ नहीं होया जो मैं पार्टी जो कटेंगे फिर मैं एक दिन तक लगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਮਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੜੀ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਫੁਲਕੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫੜ ਲਿਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਪੁੱਛੇ ਬੈਠੋ छोटे बंदे छोटी बताओ पार्टी के जो दिल्ली वाले नेता है क्या आपको लग रहा है कि सारी कमान उनके हाथ में और जो पंजाबी लीडर्स है उनको कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे आगे नहीं लाने। मेरी खेल में तो यही ठीक है आपको मालूम है कि पीएससी फैसला करती है पीएससी भी तो कोई भी नहीं है और जब मैंने दो लिस्ट करने से ना की है तो तब भगवंत को स्पेशल इनवाइटी बुलाया गया है साधु सिंह ने उठे गल पार्टी को ढाई साल कोई फंड नहीं दिता पार्टी को खड़ा करने फंड कितो खर्चा लोगों को नहीं तुम सुनिया नहीं पब्लिक दिलचस्प सुनो। मैं पार्टी चलाने वास्ते कुछ बंदे कई 2000 रुपया महीना भेज दिया कुछ बंदे 3000 रुपया महीना भेज दिया कोई बंदा थोड़े वर्गा कोई चंगा आ जाता है तो मैं वो पैसे भी दे देंगे। मैं हर चीज का हिसाब रखना जी हर चीज का हिसाब है मेरे को भाजी जो ट्रेजर नहीं है स्टेट कमेटी हैगी तो कितने रख सकते हो तो बयानबाजी बाकी पार्टियों की भी चलता इस पार्टी की भी चलता। मैं तो कहना मेरी सीबीआई को इंक्वायरी कराओ तो जो का मैं सियासत में आया हुआ मेरी ज्यादा वधिया कठी है
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ एक परसेप्शन ये है कि ऑटोक्रेट तरीके से चलते हैं अरविंद केजरीवाल। आपने वो जो पूरा इंसिडेंट बताया कि इन्होंने कह दिया कि ब्लेम आप अपने ऊपर ले लीजिए, तो जो अरविंद केजरीवाल है वो सिखिज्म को बिल्कुल नहीं मानते हैं। इसका जो आप बताओ, मैं कहूँ ओरिजिनल स्टोरी दस देती है, जे तुसी मेरे को कसम लेना चाहते हो तो मैं आपका कसम भी खा लेना। केजरीवाल जी, केजरीवाल जी से मिलने का आपका कार्यक्रम था तो मिलने का फिर आगे फर्दर क्या है? मैंने 10-12 दिन इंतजार किए, जब मैंने ऐसी बातें सुनी, ब्रजेश जी ने एक एक पत्रकार को बुला के इंस्ट्रक्शन दी कि क्या हो रहा है, कैसे करना है, और अखबारों में खबरें आ गई कि छोटेपुर को बाढ़ का रास्ता दिखाया जा रहा है, छोटेपुर बहुत करप्ट है, उसने 2 लाख रुपया ले लिया, तो फिर मेरे लिए कोई और रास्ता नहीं था। छोटेपुर की मिलने का आपको नहीं करनी है जी? केजरीवाल जी से मिलने का आपको कोई कार्यक्रम नहीं है? देखो, आप 12 दिन मेरे को उपासना से कब के आए हुए हैं, मैंने बहुत ट्राई की है, अगर वो मेरे जैसे छोटे आदमी को मिलने तो तैयार नहीं है। तो मैं ये कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया ने आपकी रिकॉर्डिंग कर रखी है, जब आप उनसे मिले, केजरीवाल ने कहा कि आप मनीष सिसोदिया से मिलिए, तो उस वो रिकॉर्डिंग भी वो जो है कह रहे हैं कि प्रदर्शित करेगी, वो मैं कहता स्टेज भी दिखाए और जो उसने रिकॉर्डिंग किया वो भी दिखाए। मैंने तो बोल दिया है छोटे, अगर एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक कन्वीनर की करता रिकॉर्डिंग तो वो डिप्टी सीएम ने जसूस है, हमारी सोसाइटी जो इस तरह की नहीं है, हम विश्वास करते हैं, एक घर में रहते हुए भाई में विश्वास किया जाता है, बहू में विश्वास किया जाता है। छोटेपुर जी, आप एंटी पंजाबी है तो लगता हाँ जी, आप एंटी देखो, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, कोई यहो जी गल मैं करी चाहता, वो तुम आप महसूस करोगे, पंजाब के लोग आप महसूस करेंगे, मैं अपने मुंह तो कोई लफ्ज नहीं कहना चाहता, जो मेरे ना ओरिजिनल दास्तान हुई है वो मैं तुम्हें कसम खा के कहना कि मैं एक अखर तो पिछले नहीं हटता, जो कुछ मेरे ना हुआ वो मैं करूँगा। टिकट की वंड हुई है, टिकट की वंड किस आधार हुई है और किस और जो जो जगदीश पाड़ा नाम लिया, क्या उन्होंने सारी वंडिया गई? टिकट की वंड तो लगभग पहले हो रही है सुधीर जी, पैसा चले गए 2 करोड़ दल हुई है, इस करके मैं जवाबदारी माफ करना, मैं जवाबदार कि जो टिकट वाली कहानी है ना, यह मैं जवाबदार भी सारे सरकार वाले रले हुए भी कैंडिडेट मारे देंगे, क्योंकि जो 25 कैंडिडेट दिते हैं 25 कैंडिडेट रोल टुकया हुआ, यह कि मदद है कहते नहीं अभी बैठे सब कुछ नहीं करते, आपकी मकी मेरी तो कोई बात नहीं, मैं तो पीएससी का मैंबर नहीं है, फाइनल यह करते हैं, पर सलाह तो लेंगे किसी की पारदर्शी करते सारा कुछ, तुम देखा इतने तारी कचहरी के पुत्र नाम का मुंडा नौजवान आया सी, वो पीएचडी है, अमेरिका का पढ़िया हुआ नौकरी छड़ के आया सी, वो अन्ना मूवमेंट के वजह से काम करता आया सी, जो कुछ हो मैं उन्होंने पूछा, मैं क्या प्रदेश जब किसी टिकट नहीं मिलती लोग इल्जाम लाते हैं, बेटा इल्जाम क्यों ला रहा तू, वो कहता जी मैं मंदिर लै जो, मैं गुरुद्वारे लै जो, मैं कसम खुवा लो, मेरे ना सारी दवाई कीतिया ने, और मैंने उधर मेरे पैर थोड़ा जमीन देगी, जो पवित्र वर्कर नहीं है तो पार्टी जो हो वॉलंटियर कोई वर्कर नहीं हो सकता। छोटे पुर जी, जिस तरह पार्टी के कामों वास्ते फंड्स देंदे रहे हो, बाकी लीडर भी रेंदे रहे, सिर्फ यही फर्क है कि तुहाडा उन्होंने वीडियो बना लिया, बाकियों का वीडियो नहीं है। बेटा ये सारा कुछ समा दसेगा, मैं किसी मुतल कुछ नहीं, मैं अपना दसा वा तो मेरी सीबीआई को इनकवायरी करा लो। क्या तुसी दिल्ली गए छोटे मनीष सिसोदिया ने थोनू रिकॉर्डिंग जो दिखाई है? नहीं जी। तुसी मंगी उन्होंने को डिमांड मेरा? मैं क्या जी की क्या सीगा? मैं क्या दसो जी, ये पर मेरी हैगी रिकॉर्डिंग दसो, तुम मेरा स्टैंड जरा दसो। छोटे पुर जी, जरा बनन तो मैं मनन दिया वा, पैसे लोग देंदे आ मैनू, क्योंकि पार्टी का कोई फंड नहीं सी, पार्टी का कोई फाइनर नहीं सी, कभी कोई पानी नहीं चाहती सी, 2.5 साल जी चलाई है, सारिया कॉन्फ्रेंसा की पंजाब का चक्कर लाया, पंजाब बचाओ बेईमान बचाओ, कौन सी इतने वो देने कौन सी पैसे इन्हें की ये तो दस सकते जी, उन्होंने पता मैं नहीं जानता, मैं तो कई भी कोई थोड़े अर्गे भरा 5 हजार देता, कोई 4 हजार देता, ये उन्होंने पता जिन्होंने भेजा होगा, मैं नहीं पता गया। छोटे पुर जी, गल की है, जवाब है कि दुर्गेश पाठक और संजय सिंह बादल नाल मिले हुए,
केजरीवाल ने केजरीवाल दसन जी आप दसन उस दिन जरा ओपन कर मैं फिर आप बोलोगे सर छोटे पुर जी लोग जानना चाहते बंद मैं दसा वा मैं तो कन्फ्यूज किया वा मजबूरी हो सकती है दो तीन बंद ने अज भी एफर्ट्स की संधु साहब ने खैरा साहब ने फुरका जी ने तीन बंद अज भी एफर्ट्स कर रहे थे किस तरह कोई गल नहीं है टल जी पर उन्होंने कौन सुन रहे पैसा नहीं लिया और दुर्गेश संजय होर नाम लिया की संजय दुर्गेश दे रहन सहन या उन्होंने जायदाद आने तो बाद कोई फर्क पे जे पे की जांच की मैं आप कह रहा थोड़ी मेरी गल जी हुकूमत की मेरी 40 साल की पोलिटिकल लाइफ एक इधर की है ना एक मेरी 2.5 साल की सेवा 40 साल की मेरी पोलिटिकल लाइफ मेरे विरोधियों भी सदो कोई मेरा विरोधी भी मेरे अगेंस्ट एविडेंस दे दे छोटे पुत्र किसी जिंदगी की ठगी मारी है दूजा मैं तुम्हें एक होर गल कर लगा मेरी प्लीज गल सुन लो 40 साल के वक्त के कोई बंदा यह कह दे छोटे पुत्र ने किसी को पैसे मंगे है कह लग नहीं पड़ता 40 साल बहुत वाला टाइम होगा 40 साल कोई बंदा मेरा विरोधी भी दसते छोटे फलाने को पैसे मंगे फला मैं तुम दसा मैं गल सुनी नहीं मैं तुम दसा इन्होंने विदेशों को भी पैसे आए हैं मैं तुम दसा इन्होंने फंड रेजिंग डिनर भी किए हैं मैनू कुछ नहीं दसा वो बाबत मेनू कोई नहीं दसा फंड रेजिंग डिनर का पैसा कितने गया कि कट्टा मैं कन्वीनर सा कन्वीनर कल आ सर आपके पास इसका कैसे अकाउंट रखते हैं आपकी पार्टी के यहाँ पे अकाउंट है बैंक अकाउंट से हर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये पैसा कैसे आप अकाउंट कैसे रखते हैं इस पैसे नेशनल लेवल पे तो रखते हो स्टेट में मैं तुम पहला कन्फर्स किया कोई ट्रेजरर नहीं है कोई सा फंड नहीं गा कोई दिल्ली वाले फंड चो सी दिता असं 20 लाख रुपया मैं आप उ जो पैसा सेंटर पूल च जाता है पैसा कुछ स्टेटा मिलता है कुछ जिले मिलता है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कल प्यार भी उन्होंने जारी किया भी उन्होंने दोनों के लाइफ स्टाइल फर्क पिया तुम भी उन्होंने काफी नजदीकी रहे हो डेमोक्रेसी वाली तो कोई गल नहीं मैं कला कन्वीनर कोई स्टेट कमेटी है जी तो देखा तुम अज तक दुनिया के कोई पार्टी का प्रधान हो कन्वीनर हो तो स्टेट कमेटी कोई ना हो मेरी प्रेफरेंस जी लोगों को जानती है मेरी प्रेफरेंस वॉलंटियर को जानती है मैं अपने वॉलंटियर को पूछागा तो वीरो मैं घर बह जा या कोई लड़ाई लड़ के मोड़ चुके है मैं दस सकता कि मेरे को
ये बताओ कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, नेता लगातार छोड़ते जा रहे हैं, आपको भी साइडलाइन कर दिया है, आम आदमी पार्टी का फ्यूचर क्या लग रहा है आपको पंजाब में? ये तो पंजाब के लोग डिसाइड करेंगे कि पंजाब का फ्यूचर क्या है। बदकिस्मती है, पंजाब के लोगों की लास्ट होप थी आम आदमी पार्टी। छोटे मसाइल हो गई है आपको, कांग्रेस कह रही है कि छोटे मोदी का कांग्रेस में स्वागत है, वेलकम कर रही है। देखो कैप्टन साहब भी बार बार ट्वीट कर चुके हैं, उन्होंने कहा ना मौका दोगे जी, मैं जिन्हें लोगों ने मेरी ईमानदारी साझी भरी है, चाहे वह कैप्टन अमरिंदर सिंह है, चाहे हरजीत सिंह ग्रेवाल है, चाहे चीमा जी की नाम उन्होंने दलजीत सिंह चीमा है, चाहे वह करीमपुरी है, वो सारिया पार्टियां बीजेपी अकाली कांग्रेस पी एस पी वह कह रहे हैं छोटे पर बहुत चंगा बंदा है, बहुत ईमानदार है, अभी बहुत दिल को जानते हैं। तो मेरे वीर मेरे के लख से दो लख से मेरी सिक्योरिटी पा रहे हैं, इस करके ए दुख मैं थोड़े को लेके आया सी। छोटे मुंडे जी ब्लैक लिस्ट बनाई है, तो मेरी आ गल करना कई ब्लैक लिस्ट बन जाएगी, कई भला हो जूगा, उन्होंने प्लेसमेंट मिल जाएगी, मैं खुशी होगी। छोटे बुजी तुम पवित्र सिंह जी का नाम लिता ने आरोप लगाया कि उन्होंने बकायदा इतने हिम सिंह शेरगिल के घर बुलाया गया और उन्होंने को संजय सिंह और दुर्गेश पाठक दोनों ने पैसे मंगे थे टिकट वास्ते, सही सी गल तुम जी मेरी गल सुनी थी, मैं कह पर मेरे को गया सी दोनों जी, मैं उन्होंने पूछा सी बेटा कई बार लोगों को टिकट नहीं ना मिलती तो यह इल्जाम ला देंगे, ये तुम सच्चा इल्जाम ला रहे हो कि झूठा ला रहे हो? उन्होंने मैंने कहा सब मंदिर लै जाओ अंकल जी, कई गुरुद्वारे लै जाओ, यह सच्ची गल है, साढ़े नाल वापरी पता नहीं हो सकता, किसी वक्री गल है जी गल हुई मैं तेरे दस दी है, यह अगर मैं दरबार साहब जा रहा भी कहने तैयार हाँ, यह मंदिर चलो के भी कहने तैयार है, यह थोड़ी बेचारी पढ़े लिखे जी कह रहे हो, एक एक अखा जरा मैं कसम खा के कह सकता हूँ। जो कुछ भी सामने आया कि आम पार्टी जा रहे ने फिर एकदम बैकवर्ड उस तो बाद मामला हो गया, तुम लगता है खास नीति ने तो सारिया गलत मुका रही है मुड़के नहीं हो रही है।